एनिमल्स। इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने देखा कि हम किस तरीके से जीन थेरेपी कर सकते हैं या फिर प्लांट्स के डीएनए को या जीन्स को मॉडिफाई करके अपने लिए जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम जो यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इसका क्या मतलब है। जो ट्रांसजेनिक है इसका मतलब होता है मैन्यूपुलेट करना, और जेनिक जो है वो जीन से रिलेटेड है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके डीएनए को या फिर जीन को ऑल्टर कर दिया जाता है बाय मैन्यूपुलेशन। तो इसका मतलब ये कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके जीन को या फिर डीएनए को बदल दिया है यानी कि ऑल्टर कर दिया है ताकि उनका यूज़ हम अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए कर सकें, या फिर हम किसी बीमारी को स्टडी करने के लिए, स्टडी ऑफ डिसीजेस, या फिर कोई पर्टिकुलर एंजाइम या फिर प्रोटीन की एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए भी हमें किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज इन विच डीएनए और जीन्स आर ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी हमने डीएनए या जीन को ऑल्टर कर दिया है ताकि उनको हम अलग अलग प्रोसेसेस में इस्तेमाल कर सकें। तो कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ होता है और वो कौन कौन से एनिमल्स हैं, तो ये रैट्स हो सकते हैं, पिग्स हो सकते हैं, शिप हो सकते हैं, फिशेस, मंकीज एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको अभी तक हमने मॉडिफाई किया हुआ है, जिनको हमने ट्रांसजेनिक बना लिया है, और अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग पर्पज़ में स्टडीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं एनिमल्स को स्टडी करने के लिए, सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। अब इसको समझ लेते हैं। मान लो कोई एक पर्टिकुलर जीन, पर्टिकुलर एंजाइम यानी कि जिसे ए को बना रहा है, कोड कर रहा है, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर जीन है या फिर ये जो एंजाइम है हमारी बॉडी में किस तरीके से ये एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। एक एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का एग्जांपल है। तो अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो पर्टिकुलर प्रोटीन या हार्मोन हमारी बॉडी में किस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल में हम माइस ले सकते हैं, मंकी ले सकते हैं। जनरली ह्यूमन से उनकी फिजियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है, तो इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। तो उस पर्टिकुलरली ट्रांसजेनिक एनिमल में जो कि पर्टिकुलर किसी ए हार्मोन को या फिर प्रोटीन को कैरी करता है, अब एक ऐसा जीन डालेंगे हम दूसरे एनिमल से लेकर जो कि इस प्रोटीन ए की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देगा। अब उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे उससे ये पता चलेगा कि ये जो प्रोटीन था नॉर्मल एनिमल्स के अंदर किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा था। तो अगर हम यहाँ पर किसी इनहिबिटर को डाल रहे हैं तो उस एनिमल में इस पर्टिकुलर जीन की कमी या ज़्यादा होने पर कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स अफेक्ट हो जाएंगे। तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए। मतलब हमारे पर्टिकुलरली अलग अलग जो हॉर्मोन्स या फिर या प्रोटीन्स की एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए, तो हम उसमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट यूज़ हो गया ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। अब सेकेंड यूज़ हम देख लेते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या है। तो दूसरा होता है इसका स्टडी ऑफ डिसीजेस। तो अगर हम कभी भी स्टडी करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर बीमारी को, वो किसी व्यक्ति को हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है, या उस डिसीज़ में उस पर्सन के कौन कौन से बॉडी पार्ट को वो अफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी हम किनको यूज़ करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करते हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ जिनमें हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ किया, जैसे कैंसर हो गई, साइकास्टिक फ्लोरोसिस हो गई, और रूमेटाइड्स हो गई, अर्थराइटिस हो गया, और फिर एक और डिसीज़ है अल्जाइमर्स डिसीज़, ठीक है, इसका नाम भी आपको गिवन है बुक में। तो अब होता क्या है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसके अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही बॉडी की सेल्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और जो पूरी इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी, और इसमें एक्चुअली में होता क्या है जॉइंट्स पेन ज़्यादा होते हैं। फिर ये जो अल्जाइमर्स डिसीज़ है ये भी एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, इसके अंदर हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं। तो क्या होगा अगर हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे, अगर हमारी मेमोरी सेल्स डैमेज हो जाएंगी, तो लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगी, हमें चीज़ें याद नहीं रहेगी, हम भूलने लग जाएंगे चीज़ों को, तो उसको हम क्या बोलेंगे अल्जाइमर्स डिसीज़। तो ये दो यूजेज़ हमें पता चल गए ट्रांसजेनिक एनिमल्स के। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम क्या करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, उनके अंदर कोई ऐसा जीन या डीएनए का सीक्वेंस डालते हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करेगा। अब वो प्रोटीन हमें क्यों चाहिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए ज़रूरी है, राइट? तो हम इस तरीके से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में दे रखा है अल्फ़ा वन एंटीट्रिप्सिन। ये जो अल्फ़ा वन एंटीट्रिप्सिन है ये ह्यूमन का ही प्रोटीन है, इसको भी यूज़ किया जाता है। हम क्या करेंगे कि हेल्दी ह्यूमन से उसका जीन निकालेंगे
और एक ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर डाल देंगे, जिससे ज़्यादा अमाउंट में हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हमको सही समय पर मिल जाएगा। तो अल्फ़ा वन एंटीट्रिप्सिन का क्या यूज़ है, आपने एक डिसीज़ सुनी होगी एम्फाइसेमा, जो कि एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, और ये किस कारण से होता है, इसका जो मेन रीज़न है वो है सिगरेट स्मोकिंग। तो एम्फाइसेमा को क्योर करने के लिए जो हमारे पास पर्टिकुलर प्रोटीन है वो है अल्फ़ा वन एंटीट्रिप्सिन। इन पर्टिकुलर बीमारी के अलावा और भी ऐसी डिसीजेज हैं जिनको क्योर करने के लिए अटैम्प्ट किए जा रहे हैं। कौन कौन सी डिसीजेज़ हैं वो, एक है PKU, एक है सिस्टिक फिब्रोसिस। अगर क्वेश्चन आते तो डायरेक्ट सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, तो आप पॉइंट वाइज आंसर कर सकते हो। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। नाउ फोर्थ यूज़ क्या हो सकता है ट्रांसजेनिक एनिमल का, फोर्थ यूज़ है वैक्सीन सेफ्टी। अब जैसे मान लो कि हमने पोलियो की वैक्सीन बनाई है, ठीक है, तो हम उसको डायरेक्टली तो टेस्ट नहीं कर सकते ना, कि हम किसी भी छोटे बच्चे को पिला दें और उसमें टेस्ट कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमको प्रॉपर ऑर्गेनिज्म के ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा बिना डायरेक्टली ह्यूमन पर टेस्ट किए हुए। यहाँ पर मैं आपको पोलियो वैक्सीन का एग्जांपल लेके बता रही हूँ। तो ये सबसे पहले किस पर टेस्ट किया गया था, माइस के ऊपर टेस्ट किया गया था कि जो हमने पोलियो की वैक्सीन जो बनाई है ये ह्यूमन यूज़ के लिए सही है या नहीं। तो वैक्सीन सेफ्टी भी एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है किसका, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। एंड लास्ट वन इज़ केमिकल सेफ्टी, या फिर आप इसको केमिकल टेस्ट भी बोल सकते हो। बेसिकली हम जब भी कोई मेडिसिन या ड्रग्स वगैरह बनाते हैं तो हम उसको ह्यूमन को डायरेक्टली देने से पहले हम उसके ऊपर, उसको माइस या मंकी के ऊपर या किसी के ऊपर नहीं, ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो फिजियोलॉजी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर ड्रग या जो भी है वहाँ, अगर हम मेडिसिन अगर हम ह्यूमन को देंगे तो उसके बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स पर वो अफेक्ट कर सकता है या हो सकता है। तो ये दोनों भी क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के सिग्निफिकेंस है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डिसीज़ याद रखनी है, सबके एग्जांपल्स को याद रखना है। चलिए इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में गिवन है इथिकल इश्यूज, छोटा सा टॉपिक है ये। एक बात है कि अगर कोई रिसर्चर है, कोई साइंटिस्ट है, अगर इनको रोकने वाला कोई ना हो तो जगह जगह से ये माइस को इकट्ठा कर करके या फिर बंदरों को इकट्ठा करके अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे ये। तो एक ऐसी ऑथराइजेशन भी होनी चाहिए जो कि ये ध्यान रखे कि किसी भी ट्रांसजेनिक एनिमल की फॉर्मेशन के दौरान कोई अनडिज़ायरेबल नुकसान या कोई ऐसा अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर ना हो जो हम उसमें इंट्रोड्यूस कर दें जिससे हमारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को या फिर इन्वायरमेंट को नुकसान हो। तो गवर्नमेंट, मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की हुई है जिसको कहा जाता है GEAC, जिसको बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। जेनेटिक मतलब यहाँ पर हम जीन को मॉडिफाई कर रहे हैं, DNA को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब NCERT में दो लाइंस लिखी हुई है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। देखो पेज नंबर 213 पर दे रखा है, देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज़म्स फॉर पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, इस जो ये गवर्नमेंट ने जो ये चलाया है ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है कि ये डिसीजन लेती है। अब ये किस किस के बारे में डिसीजन ले सकती है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। ठीक है, किसके बारे में डिसीजन लेती है, रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, यानी कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला काम है वो ये है, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स पर रिसर्च चल रही है उसकी वैलिडिटी को ये डिटरमाइन करेगी। मतलब उस ऑर्गेनिज्म के बारे में सारे डिसीजन लेने का काम किसका होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का हो। दूसरा काम ये है कि जो आपने मॉडिफाई करके जो ऑर्गेनिज्म को बनाया है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल आपने बनाया है, उसको अपने इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करना है या नहीं करना है। तो हम क्या लिखेंगे, इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म्स अनप्रिडिक्टेबल। अब ये क्यों डिसाइड कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, ये क्यों डिसीजन ले रहे हैं। देखो, अब इसलिए कि आपने रॉबर्ट मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो चिट्टी था, जो रॉबर्ट था, उसकी जो चिप है उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए थे, और जब उसको रिलीज़ किया गया, यानी कि इन्वायरमेंट में जब उसको फ्रीली घूमने की परमिशन दे दी गई, तो उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा दिया था। तो सेम चीज़ यहाँ पर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मानना ये है कि अगर आप उन जेनेटिकली ऑर्गेनाइज्ड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फ्रीली इन्वायरमेंट में अगर छोड़ दोगे, तो क्या आप हमें ये बता सकते हो कि उनका जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ हैं या नहीं। तो ये हम नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो वो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल, इसलिए उनको अलाउ करना है इन्वायरमेंट में या नहीं, इसके डिसीज़न कौन लेता है, ये ऑर्गेनाइजेशन लेता है।
अब इसके अलावा आपको सिर्फ दो टर्म और याद रखनी है, पेटेंट और बायोपायरेसी। तो ये आपका एथिकल इशू था, आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना। हमारे इंडिया में राइस की ह्यूज वेराइटीज़ है, मतलब लाखों में वेराइटीज़ है, लैक्स में है ना, लेकिन उसमें से 27 ऐसी वेराइटीज़ है जो डॉक्यूमेंटेड है, 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ ऑफ राइस। हमारे इंडिया में 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ है राइस की, जिसका मतलब ये, मतलब बासमती की हम बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी वेराइटीज़ है जिनको ग्रो करवाने के लिए कहीं दूसरी कंपनीज को हमारी जो ऑथराइजेशंस हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और उनको प्रॉपर कंपेंसेटरी पेमेंट भी देनी पड़ेगी। क्योंकि इसका जो डिस्कवरी है, इसकी जो ओरिजिन है, वो हमारे इंडिया के लोगों ने किया हुआ है, तो उनका राइट है, उनका हक है इस पर। तो बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है, जब भी कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का यूज़ करती है बिना ऑथराइज्ड, जो भी अथॉरिटीज़ है उनकी परमिशन के बिना और बिना उनको कंपेंसेटरी पेमेंट दिए, तो उस एक्ट को क्या बोला जाता है, बायोपायरेसी बोला जाता है। लेकिन जो कंपेंसेटरी पेमेंट जो देना है और उनसे जो परमिशन लेना है, तो उसको बोलते हैं पेटेंट, पेटेंट ले लिया ऐसा बोलते हैं। मतलब हमने जब उससे परमिशन ली तो उसका जो कॉपीराइट है वो हमारे पास भी है, मतलब हमने क्या कर लिया, उनसे लिखवा लिया, पेपर वर्क करवा लिया। तो पेटेंट का यहाँ पर किससे मतलब है, परमिशन से मतलब है, याद रखना। और बायोपायरेसी का मतलब क्या है, जब भी हम बिना परमिशन के, बिना ऑथराइजेशन एंड विदाउट गिविंग देम कंपेंसेटरी पेमेंट हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, तो उस एक्ट को क्या बोला जाता है, बायोपायरेसी। और उसके लिए जो परमिशन हमने लिए वो क्या कहलाता है, पेटेंट। तो ये किसने लिया था, यूएस ऑथराइजेशन ने ये पेटेंट लिया था। तो यहाँ तक आपको याद रखना है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के यूजेस याद रखने हैं, सिग्निफिकेंस याद रखने हैं उसके, साथ ही साथ में सबसे पहले ट्रांसजेनिक काउ थी, जेनिक काउ, इसका नाम था रोजी। ये नॉर्मल काउ से बेहतर थी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वो ऐसा मिल्क दिया करती थी जो कि ह्यूमन का जो मिल्क होता है ना, प्रोटीन एंड रिच, वो उससे भी ज़्यादा रिच था, क्योंकि उसमें प्रेजेंट था अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। क्योंकि इसकी प्रेजेंस रोजी काउ में ज़्यादा थी तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी। तो वो कितना देती थी मिल्क, 2.4 ग्राम पर लीटर, ये 4 है, इतना प्रोटीन प्रोड्यूस किया करती थी वो, जो कि नॉर्मल काउ से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए। ये लगभग 1987 की बात है, तो आपको ये याद रखना है। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ।